जो जीव क्लेशों से परेशान हो उसे श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, पूर्ण ब्रह्म है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाले जीव के हृदय में, ऐसा कहा गया, बड़े समझिए आप इस बात को, जो जीव श्री कृष्ण का नाम लेते हैं सभी ग्रह सभी नक्षत्र सभी देवता उस व्यक्ति के पीछे पीछे एक छत्र लेकर चलते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का स्मरण करता है, सारी ग्रह जितने भी ग्रह हैं वो सारी ग्रह जितने भी देवता हैं वो देवता उस व्यक्ति के पीछे पीछे छत्र लेकर चलते हैं। किस व्यक्ति के पीछे? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है। इससे भी बड़ी बात सुन लीजिए, कृष्ण का नाम जाप करे तो देवी देवता ग्रह सब छत्र लेकर चलें, और जो राधा रानी का नाम जाप करते हैं वो तो कृष्ण ही उनके छत्र उनको पीछे लेके छत्र चलते श्री कृष्ण। जो राधा नाम जपते हैं स्वयं श्री कृष्ण हाथ में छत्र लेकर उनका पीछा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते, पल पल उनकी देखभाल करते। हमने कोई वैसे नहीं कहा था कि राधे राधे बोलना पड़ेगा,